चलिए दोस्तों, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अनीश रिएक्शन। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है अफगानी सेज हेट पाकिस्तान वी लव इंडियंस ऑलवेज सपोर्ट इंडियंस। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आनाम शेख जी की वीडियो है और इसमें आनाम जी ने पाकिस्तानी जनता से पूछा है कि भाई अफगानी लोग जो है अफगानी जो पीपल्स है वो इंडिया से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं और पाकिस्तान से इतनी नफरत क्यों करते। तो उनकी राय जानने से पहले मैं उनको कहना चाहूँगा कि इंडिया ने अपना कोई फायदा न देखते हुए अफगानिस्तान के लोगों के लिए डैम बनाए, हॉस्पिटल बनाए, रोड बनाए और बहुत सारे प्रोजेक्ट वहाँ पे किए हैं और साथ ही में वहाँ की असेंबली तक के बनाई है। और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए क्या किया, तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ दोगला व्यवहार किया है, इधर अमेरिका के साथ में भी हाथ मिलाया और इधर तालिबान के साथ हाथ मिला के मेरी रणनीति अपनाई और इसमें तालिबान का बहुत अपना सॉरी अफगानिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान किया, वहाँ के लोगों का नुकसान किया, इसीलिए अफगानिस्तान के लोग उनसे नफरत करते हैं। और अब इसके बारे में पाकिस्तानी क्या कहते हैं ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, मगर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं। पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान से वैसे भी इंडिया डरता है। अपने नीटो सप्लाई में यूज नहीं किया अफगानिस्तान को, अमेरिका का साथ दे के और अमेरिकन बहुत बड़ी न्यूज आई है। अफगानिस्तान की मेजोरिटी पीपल ने अफगान ने कहा है कि पाकिस्तान हिस्ट्री अपनी गलत बताता है और ये भी कहते हैं कि अफगानिस्तान ने कि पाकिस्तान ने कभी अफगानिस्तान की मदद नहीं की बल्कि हमारे अगेंस्ट रहते, इसलिए आज हम उन्हें पसंद नहीं करते बल्कि हम पसंद करते हैं तो इंडियंस को करते हैं। वी लव इंडियंस, वी ऑलवेज सपोर्ट इंडियंस और इंडियंस के आज किसी भी हालात में हम इंडियंस का साथ देंगे, इंडिया का साथ देंगे। और ये भी कहा है कि भाई इंडिया जैसा आज तक हमने कोई मुल्क नहीं देखा। क्या बात है कि आज अगर हम देखें हिस्ट्री तो हिस्ट्री हमें बताती है कि अफगानिस्तान की हमेशा मदद की है लेकिन अफगान पीपल हमेशा से हमारे गेस्ट रहते हैं। क्या रीजंस लगती है जो कि इंडिया को पसंद करते हैं लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम होने के बावजूद भी नहीं पसंद किए जाते। तो चलते हैं पाकिस्तानी आवाम की तरफ, उनसे उनकी राय लेने के बाद मिलते हैं वीडियो के एंड में। मिस हमने मदद कब की है उनकी, हमारी हिस्ट्री तो बताती है हमने तो हमेशा यूज किया उनको। कैसे यूज किया आपने, अपने नीटो सप्लाई में यूज़ नहीं किया अफगानिस्तान को, अमेरिका का साथ दे के और अमेरिकन को अमेरिकन आर्मी को वहाँ पे भेज के उनको यूज़ नहीं किया, आपने तो हमेशा यूज़ किया। अफगान सही कह रहे हैं, सम हो दे राइट। क्या लगता है कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें तो ये तो कहते हैं अफगानिस्तान अभी रिसेंट जो पेशावर अटैक हुआ है मस्जिद के अंदर, वो भी कहा है कि तालिबान ने करवाया, अफगानिस्तान ने करवाया है और उसको हेवन जो है वो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। मिस तालिबान की कोई डेफिनेशन बता सकते हैं मुझे, क्या लगता है आपको? तालिबान तालिबेलम थे, तालिबेलम कहाँ से गए? मुल्ला उमर, पहले तो मुझे इस चीज़ की क्लैरिटी कोई बता दे कि मुल्ला उमर कौन था, वो कहाँ पे पढ़ा, वो कहाँ पे बना और फिर अफगानिस्तान क्यों गया और आज तक उस किसी को पता है कि वो अफगानिस्तान में गया। और ये अमेरिकन जो कहते हैं, ये हम जो कहते हैं कि अमेरिका ने ये किया, अमेरिका ने वो किया, अमेरिका भी तो आके अपने पार्लियामेंट से बैठा के तो इनको वॉरियर्स ऑफ गॉड कहता होता था तालिबान को, तो फिर आज कहाँ पे गए वो सारी चीज़ें। तालिबान को जब अमेरिकन आपके डेलीगेट्स यहाँ पे आपके आपके पेशावर में जो रेफ्यूजीज कैंप लगे हुए थे अफगानिस्तान के, वहाँ पे आके जब अल्लाह अकबर और जिंदाबाद के नारा लगाते थे और कलमा पढ़ते थे, तब क्या सोचा किसी ने? तब किसी ने नहीं ना सोचा। एंड हम कौन होते हैं अफगानिस्तान के अराउंड 6 मिलियन लोगों को यहाँ पे रेफ्यूजीज कैंप में रखने वाले, हम तो कोई भी नहीं है। हमें कहीं से मदद आई तो आए ना वहाँ पे, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? अब आप लोगों ने ना ये भी कहा है कि कहते हैं कि तालिबान बने, तालिबान कहाँ से आए, तालिबान यहाँ से आए, तालिबान वहाँ से आए, तालिबान बेसिकली आए तो पाकिस्तान से ही ना। तालिबान को बनाने वाला कौन था? पाकिस्तान था। तालिबान को गंदा करने वाला कौन था? पाकिस्तान था। तालिबान को अच्छा करने वाला कौन था? पाकिस्तान था। तो अफगानिस्तान सब उसे ही कहते हैं जब उनको प्रोटेक्शन वहाँ पर मिलती है। अफगानिस्तान वॉर, अफगानिस्तान आज का थोड़ी ना हालत जंग में है, इट्स अबाउट 150 ईयर्स के वो हालत जंग में है। उन्होंने पहले ब्रिटिश को मात दी, फिर पाकिस्तान के साथ उनकी वॉर रही, फिर अमेरिकन को मात दी, आज तक कोई अफगानिस्तान फतह तो नहीं कर सका। इसमें पाकिस्तानियों की गलती नहीं है, इसमें पाकिस्तानियों का कोई जुनून नहीं है, इसमें अफगानिस्तानियों का है। क्या
ऐसा लगता है कि अभी अफगानिस्तान ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है अपनी हर हिस्ट्री अपने यूथ को अपने यंगस्टर को गलत बताता है, ये भी कहा है उन्होंने कि भाई अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान ये कहता है कि हम जंगे जीते हैं, मगर ऐसा तो नहीं है, जंगे तो ये हारे हुए, 71 की जंग भी कहते हैं हम जीते हैं, 71 में भी हारे हैं, उसके अलावा 65 की भी जीते नहीं है, 65 की भी हारे, लेकिन अपने जो यंगस्टर है अपनी बुक्स में वो तो गलत बताते हैं, क्या लगता है ऐसा है? हिस्ट्री पढ़ता कौन है? बहुत से लॉयर्स पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते लॉयर्स पढ़ते हैं, पाकिस्तान में किस स्टूडेंट को हिस्ट्री पढ़ाई जाती है? मुझे तो मुताला पाकिस्तान में पढ़ाया गया कोहे सुलेमानी, मुझे तो नहीं बताया गया कि 1971 में क्या हुआ, 1965 में क्या हुआ। अभी कुछ अरसा तक तो पहले आप 1965 को वॉर जीते हुए थे, लेकिन कुछ अरसा बाद जब इनको एहसास हुआ कि यार नहीं हम हारे थे, फिर आपने उसको डिफेंस डे में कर दिया 23 सितंबर को, पहले आप कहते थे कि हम जीते थे, आपने छुट्टी भी ख़त्म कर दी, इसकी क्या लॉजिक है? फिर 1971 की जंग थी क्या? कुछ भी नहीं थी, वो तो एक सेपरेशन थी पाकिस्तान और बांग्लादेश की, डेट वॉज नॉट अ वॉर, 1965 वॉज नॉट अ वॉर। आप पहले किसी के घर जाओगे तो अगला प्रोटेक्ट करने के लिए आपके घर में आएगा ना, फिर जब अगला जब आपके घर में आया है तो आप जब उसको डिफेंस करोगे तो आप वॉर तो नहीं कर रहे। वो हम गलत बताते हैं, क्या हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है? हमें बिल्कुल अवेयरनेस की ज़रूरत है, हम सब कुछ गलत बताते हैं, हम हिस्ट्री बताते ही नहीं अपने बच्चों को, हमने 47 की आज तक हिस्ट्री नहीं बताई लोगों को, हमने 47 छोड़े 1906 की हिस्ट्री नहीं बताई, हमने उसके बाद जो आपका काफिला चला उसकी हिस्ट्री नहीं बताई, 47 के बाद 48 की हिस्ट्री नहीं बताई, 65 की हिस्ट्री नहीं बताई, 71 की हिस्ट्री नहीं बताई। हम कर क्या रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम कायदे आजम के 14 निकात पर आ रहे हैं लोगों को, हम कायदे आजम के पर आ रहे हैं कि कायदे आजम ने किस शहर में कौन सा बयान दिया, हम कायदे आजम की स्ट्रगल नहीं पर आ रहे लोगों को, हम 1965 लोगों को बता रहे हैं कि 23 सितंबर चविंडा के मकाम पे उन्होंने बम बांध के टैंकर से नीचे लेट के सियालकोट तक आने की इंडिया को नौबत ही क्यों पड़ी जब आप डिफेंस बॉर्डर पे खड़े थे, कसूर तक जाने की इंडिया को जरूरत ही क्या पड़ी जब आप बॉर्डर पे खड़े थे? अगर मैं किसी अपने घर की रखवाली करता हूँ, मैं अगर गेट पे खड़ा हूँ तो जब दुश्मन मेरे घर में आए तो गलती किसकी है जो मैं बॉर्डर पे मैं खड़ा हूँ ना। एक छोटा सा और सवाल है आपसे, क्या लगता है अफगानिस्तान इंडिया की सपोर्ट में क्यों है? हम देखते हैं अब नहीं बल्कि एक अरसे देखते आ रहे हैं कि वो अफगानिस्तान इंडिया को सपोर्ट करते हैं, आज भी उन्होंने कहा वी लव इंडियंस, वी सपोर्ट इंडियंस, हमेशा से इंडिया ने हमारी मदद की, हम भी हाजिर हैं उनके लिए, इवन हम मैचेस भी देखें तो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, इवन वो जीतते हैं तो अफगानिस्तान खुश होता है और हम जीतते हैं तो वो खुश नहीं होता। एक उर्दू की मिसाल है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वो आप समझ रहे हैं कि वो हमारा दुश्मन है और वो हमारे दुश्मन है, हमें अपने आप को दुश्मन है तो आगे से जब हमारा दुश्मन है तो वो तो उसका दोस्त ही होगा। क्या लगता है इंडिया के साथ दुश्मनी मैटर करती है? नहीं, उसके साथ कुछ गलत किया भी नहीं, हमेशा इंसान को बुरा वो लगता है जो किसी का साथ दे के उसका साथ छोड़ दे और उसको बुरा भला के हमेशा वो बुरा लगता है, कल को मेरा साथ कोई देगा और मुझे फायदे के लिए यूज करेगा और जब उसका फायदा पूरा हो जाएगा और वो मुझे छोड़ देगा तो मुझे तो बुरा लगेगा ही। लगता है कि इंडिया जिसको हम अपना दुश्मन मानते हैं और डजंट मैटर कि एक दिन दो दिन 75 सालों से यही हम हिस्ट्री में सुनते हैं, इवन अभी भी हमारे बच्चे होते हैं तो हम यही बढ़ाते हैं वो तो दुश्मन है हमारा, क्या समझते हैं दुश्मनी मैटर करती है? ट्रेड आप करना नहीं चाहते हर चीज़, और जब मजबूरी आती है तब आप हर चीज़ इंडिया से रिलाई करते हैं। दुश्मनी जब आप एक जगह से सेपरेट हैं तो दुश्मनी तो होगी ना, लेकिन आप देखें कि दुश्मनी सिर्फ वन साइडेड हो रही है, सिर्फ आप ही नापसंद करते हैं इंडिया को, इंडिया तो मेरा हाल है कब का ये चीज़ भूल गया हुआ है कि हमारे से कोई सेपरेट भी हुआ था, इंडिया छोड़े अब बांग्लादेश कब का आज़ाद हो चुका है, 1971 बांग्लादेश आज हमारे से बहुत आ गया है, इंडिया की हाली एप्पल के साथ ट्रेड $1 बिलियन की है और आपकी पाकिस्तान में पूरी आईटी की ट्रेड 350 मिलियन डॉलर्स की है, वो कहाँ पे आप कहाँ पे आपका कंपेरिजन ही नहीं बनता। हम दुश्मनी में पड़ के डिफॉल्ट होने वाले हैं, वो दुश्मनी छोड़ के आज फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, बांग्लादेश का एक टका हम कहते थे टके के नहीं, आज उनका टका कितना ऊपर चला, टका बहुत ऊपर गया है। हमने सिर्फ दुश्मनी निभाई है, हमने दुश्मनी भी नहीं निभाई, हमने मुल्क खाया है, हमने उसके नाम पे मुल्क खाया है, हमने USAID के नाम पे अफगानिस्तान के साथ जंग लड़ने के लिए हमने पैसा लिया और वॉर की और जो पैसा हमें मिला वो हमने खा लिया। लगता है हम कहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी हिस्ट्री में कभी भी कोई हिंदू हुकूमत नहीं संभाली किसी ने भी, अगर हम इंडिया की हिस्ट्री देखें तो एक जो है मुस्लिम वो हुकूमत भी संभाल चुका है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें मुस्लिम ही रहे हैं, क्या मुस्लिम ऐसे हैं? नहीं, ये वो तो फिर वहाँ पे माइनॉरिटीज बहुत ज्यादा, वहाँ पे मुस्लिम बहुत ज्यादा और मुस्लिम मैं सवाल कर रही हूँ कि मुस्लिम तो ईमान पे पुख्ता है ना, वो तो झूठ धोखा करप्शन ये सब नहीं करता, लेकिन क्या मुस्लिम ऐसे हैं? पाकिस्तान में कौन मुसलमान है? पाकिस्तान में सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, लोग जानमाज़ पे बैठ के रिश्वत लेते हैं, किसने नहीं दी मुझे बता दें, तो इस्लाम हर बंदा देता है हर चीज़ में, पाकिस्तान में मुसलमान नहीं है, पाकिस्तान में मुसलमान चोर है, इंसान भी नहीं है,
कोई मदद करेगा यहाँ पे नीचे, कोई गिर जाए अभी तो लोग कहेंगे बहुत अफसोस हुआ, आगे चला जाएगा। तो लगता है कि हमसे बेहतर वो इंडियंस हैं जो जो उधर 35 करोड़ मुसलमान है और यहाँ पे 25 करोड़ मुसलमान। वो तो मेरे सारों को ही लगता है, वो तो वहाँ पे 35 करोड़ लोगों को लगता है कि हम बेहतर हैं मुसलमान में यहाँ से, क्योंकि वहाँ की हुकूमत उनको माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करती है, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करते। बेसिकली जो हिस्ट्री की बात है ना, हिस्ट्री में तो वो सारी चीज़ें ठीक लिखी हुई है, हमेशा पाकिस्तान ने मुस्लिम कंट्रीज को सपोर्ट ही किया है। बेसिकली जो है ना आजकल जो सिनेरियो चल रहा है ना वो अमेरिका और जो है ना इंडियन पॉलिसी चल रही है, तो जिसमें ये है कि पाकिस्तान को तो उन्होंने लेट डाउन करना ही करना है, ठीक है। तो ये सारी जो है ना वो है, बाकी ये है कि वो अभी भी पाकिस्तान सपोर्ट करता है अफगानिस्तान को, और बाकी ये ऐसा अगर हम अफगानिस्तान से हट के किसी और मुल्क की तरफ जाएं वो भी यही कहते हैं कि वी लव इंडियंस, क्यों? नहीं नहीं नहीं, अफगानिस्तान को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अफगानिस्तान के अलावा मैं कह रही हूँ किसी और मुल्क की बात करें तो वो भी यही कहते हैं कि वी लव इंडियंस, बांग्लादेश की बात करें या किसी और की भी बात। इंडियंस तो बेसिकली जो है ना हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ रहा है, और ऐसी भी बात नहीं कि जो है ना जो पाकिस्तान है ना पाकिस्तान से वैसे भी इंडिया डरता है हर प्लेटफॉर्म पर, ठीक है ना। कैसे? ओवरऑल देख लें, हमारे रिलेटिव्स भी रहते हैं ना, दोस्त भी हैं, तो कैसे 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 डरते हैं वो, डरते हैं। डेथ में नहीं जाऊंगा ज्यादा, मेरा ना दोस्त नहीं, एक छोटा सा नहीं छोटा सा सवाल है कि भाई पाकिस्तान, एक मिनट, पाकिस्तान बीइंग अ मुस्लिम, मेरी बात सुने, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है, ठीक है, होएगा नहीं लेकिन चांसेस है, ठीक है। अगर हम देखते हैं वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, किस चीज का डर है? किसी चीज का डर नहीं है पाकिस्तान जो है ना, बेसिकली ये कि इंडिया को किस चीज का डर है? इंडिया को यही है कि हम एक तो जो है ना एटमी पावर है हमारे पास, वो एटमी पावर भी सऊदीया को बीबीसी के आर्टिकल के मुताबिक सेल करने वाले थे। नहीं नहीं, कोई सेल सूल नहीं करने वाला, ये सोशल मीडिया की बातें हैं, बीबीसी ये सारी जो है ना किसी को भी नहीं मानते, बीबीसी हमारे बीबीसी। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो है ना वो ऐसी होती नहीं, उनको जो है ना उल्टा सीधा जो है ना आगे बताया जाता है एक्चुअल में। अब मेरी बात सुने, पाकिस्तान की जो भी सिचुएशन, जो भी क्राइसिस, जो भी इकोनॉमी की बात होती है, किसको फॉलो करते हैं? न्यूज चैनल्स को ना, न्यूज चैनल्स को सुनते हैं तभी हमें खबर मिलती है। तो आपको लगता है कि सब फेक जो है ना वो पैसे जो डॉलर्स ले रहे हैं, असल बातें तो बताते ही नहीं है पाकिस्तान की। असल बात बताओ, देखें ये जो है ना कुछ चीजें डिफरेंट है, एक्चुअल में रियल में वो चीजें है नहीं जैसा कि मीडिया जो है ना बता रहा होता है। तो मेरे ख्याल से मीडिया पर भी पाबंदी होनी चाहिए, अच्छी बातें बताए, अच्छे जो काम हो रहे हैं यहाँ के उनको जो है ना हमें सिर्फ दिखाया जाता है। आपको आपकी इतला के लिए मैं आपको बताती चलूं कि इस टाइम अगर हम देखें तो आज हम अगर जंग की बात करें ना तो हमसे 3 गुना ज्यादा पावरफुल इस टाइम इंडिया बन चुका हुआ है। हम जंग किस तरह बात करें, इंडिया तो देखें हमें जज्बा है, हम प्रैक्टिकली हमारे पास क्या है? बेसिकली हमारे अंदर ना ईमान का जज्बा है, जज्बा है, प्रैक्टिकली क्या है? प्रैक्टिकली मुझे बता दे, आपकी इकोनॉमी कहाँ है, आपके हर चीज कहाँ पे इस टाइम लाइक है? बात बिल्कुल बजा है, जो इकोनॉमी की बात है उसमें तो हम नो डाउट पीछे इंडिया से। इकोनॉमी की तो जंग है, कौन सी जंग है आप बात कर रहे हैं? यही बात है सारी, लेकिन ये है कि हम जो है ना ये मुस्लिम कंट्री है बेसिकली, ठीक है। तो मुस्लिम का एक मिनट, मुस्लिम क्या है? एक धोखा नहीं देता, करप्ट नहीं होता, झूठ नहीं बोलता, यही होता ना मुस्लिम का ईमान है, ठीक है, यही है ना मुस्लिम। क्या आप धोखा नहीं देते, क्या आप झूठ नहीं बोलते, क्या आप करप्शन नहीं करते? आज करप्शन के नंबर पर 140 नंबर पे है, जस्टिस हमारे यहाँ पर 157 पर चला गया, कौन है मुस्लिम? वो आपकी बात बजा है, इसराइल वहाँ पर आप देखें कि सूदी निजाम 0% है और यहाँ पर बैंक में कितना सूद लिया जा रहा है, कौन है मुस्लिम? बहुत सी बातें ऐसी हैं कि मैं वो नहीं कह सकता हूँ यार, बहुत सी बातें ऐसी है। होप सो व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा के शेयर करना ना भूलेगा। इसी के साथ मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले अपनी राय का भी इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मिलूंगी कल एक नई वीडियो एक नए कॉर्नर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और आपने देखा होगा कि वो भाई ने तो बहुत ही अच्छे तरह से बयान दिया कि क्या रीज़न है, सही बात बताई है उन्होंने। और ये जो भाई है ये अपनी फिर वही लेके आए कि भाई एटम बम है, अरे भाई तुम्हारे पास एटम बम है तो हमारे पास क्या है यार, वो हमारे मोदी जी ने कह के रखा है, हमने के वो दिवाली के लिए छोड़ने के लिए बना के रखे है, हमारे पास जज्बा है, एटम बम है, एटमी मुल्क है। अरे यार तुम अकेली एटमी मुल्क हो गया क्या, वही बातें करते हो और बोलते हो कि फिर पाकिस्तान के बारे में गलत बताया जाता है, जो इंडिया के बारे में आप गलत बात करते हो, इसलिए जानते। अब जो अफगानिस्तान के बारे में बोला है तो अफगानिस्तान जो है वो इंडिया से बहुत मोहब्बत करता है, और इंडिया वाली भी आवाम जो है वो अफगानिस्तान भाइयों से बहुत मोहब्बत करती है। अफगान हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो दोस्तों इन्होंने कितना भी कुछ किया तो अफगानिस्तान की आवाम और इंडिया की आवाम
इनका जो है वो गठजोड़ बन चुका है और ये एक दूसरे से बहुत अच्छा मुहब्बत करते हैं। और आपने तो इनके साथ जो धोखा किया है, इनके पीठ में खंजर आपने डाला है, तो वो आपको कभी नहीं माफ करेगी। और जो इंडिया है, इंडिया उनके हर दुख दर्द में तकलीफ में उनके साथ है। और अभी भी अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने के बावजूद भी वहाँ पे इंडिया उनको बहुत सारी हेल्प कर रहा है। आपको पता है इंडिया ने अभी तक गंदम देना अभी भी चालू ही है, तो तालिबान भी उनके शुक्रगुजार करते हैं इंडिया गवर्नमेंट का। इसकी पहली गवर्नमेंट तो ठीक है, लेकिन अभी तालिबान भी इंडिया को बहुत मानते हैं, तो क्योंकि इंडिया कोई फ़ायदा न देखते हुए वहाँ की आवाम को देख रहा है और उनकी हेल्प कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। इसीलिए हमारे से ये मोहब्बत करते हैं और आपसे हेल्प करते हैं, उनको धोखा दिया है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में। और जाने से पहले फिर से एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओरिजिनल वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।